फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंडियन फूड खजाना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अंगूरी रसमलाई की रेसिपी। तो मार्केट जैसी परफेक्ट रसमलाई आप घर पर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम रसमलाई के लिए सबसे पहले बनाएंगे रस यानी कि रबड़ी। तो उसके लिए हम एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध डालेंगे। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे तो फुल फैट या टोन मिल्क। मैंने यहाँ फुल फैट दूध लिया है क्योंकि इससे ये जल्दी से बन जाएगी। इसके साथ ही गैस का फ्लेम मैंने यहाँ मीडियम टू लो रखा है। तो जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है। पनीर आप घर का भी ले सकते हैं, मैंने तो आज बाहर का लिया है। मार्केट का अगर आप पनीर ले रहे हैं तो एकदम ताज़ा फ्रेश पनीर लें। इसके बाद हम इसे बहुत पतले ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। अब इसे हाथों से अच्छे से रब करेंगे जिससे पनीर के जो दाने हैं वो ख़त्म हो जाएं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर अगर आपके पास ना हो तो आप 1 चम्मच मैदा डाल सकते हैं। और फिर इसे अच्छे से हाथों से रब करेंगे इस तरह से, ताकि इसमें कोई भी दाना ना रहे। और अब आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये एक डो के फॉर्म में आ गया है। तो अब पनीर के हम यहाँ छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, क्योंकि हम अंगूरी रसमलाई बना रहे हैं इसीलिए हम इसके बॉल्स छोटे बना रहे हैं। आप चाहें तो इसके बड़े बना सकते हैं बॉल्स। तो ये देखिए, ये सारे बॉल्स इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ मैंने इसकी चाशनी बनाने के लिए एक कढ़ाई में 4 कप पानी ऐड किया है और इसमें 2 कप चीनी डालेंगे। चीनी को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। यहाँ हमें कोई एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस पानी में अच्छा उबाल लाना है। तो ये उबाल हमारा पानी में आ गया है। अब हम इसमें एक एक करके सारे बॉल्स को डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम यहाँ हाई रखेंगे। और अगर आपको पानी कम लगे तो ऊपर से पानी को गर्म करके थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। अब हम रसगुल्लों को 15 मिनट तक पकाना है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि ये साइज में पहले से काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो हमारे रसगुल्ले बन करके तैयार हैं, इसे हम साइड में रखेंगे और यहाँ अपनी रबड़ी देख लेते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी और इसे 5 मिनट पकाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमें यहाँ रबड़ी थोड़ी पतली चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है यहाँ पर रबड़ी को। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे केसर के 8 से 10 धागे और इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। इसके साथ ही अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट और हमारे जो रसगुल्ले थे वो चाशनी से निकाल के अब हम रबड़ी में डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। इस तरह से हिलाते हुए हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, हमारी रसमलाई बन करके तैयार है। इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट होने के लिए, अच्छे से ठंडी हो जाए। आप चाहो तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हो। तो ये देखिए, हमारी रसमलाई बन करके तैयार है। तो आप इसे घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे घर पर बनाइए। आपको अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।